हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट विच इज स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक वे एंड कैन बी प्रोसेस्ड एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डाटा स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। आपके यहाँ मल्टीपल डाटा आइटम है, उनका एक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे किसी का रिकॉर्ड है, जैसे कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एज, एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो एक उसका एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में सेम टाइप के एलिमेंट भी हो सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसको एक बंडल में रखना है, एक उसका एक ग्रुप बनाना है और उसको एक नेम देना है। ठीक है, कैन बी प्रोसेस एज ए सिंगल यूनिट। पूरे स्ट्रक्चर को आप एक सिंगल यूनिट से प्रोसेस करेंगे। कैन बी प्रोसेस एज ए सिंगल यूनिट। द मेन एम ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम टुगेदर एंड बंडल देम एंड हैंस मेकिंग इट इजियर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मतलब आपको उसका ग्रुप बनाना है और आप उसको एक ग्रुप बनाने के बाद आप उसको एक सिंगल यूनिट से डिनोट करोगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे एक आपका प्रोग्राम इजी बन जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो स्ट्रक्चर का नाम तो सेम होता है। ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर नेम से एक एक एलिमेंट्स को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे लिस्ट एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 5, 6। ठीक है, या 2, 2.1। ठीक है, या कोई कैरेक्टर है उसके अंदर A, B, C, D। ठीक है, तो एक लिस्ट के अंदर, तो बताइए लिस्ट के अंदर जो है, लिस्ट सेम टाइप की हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, सेम टाइप का मतलब ये है कि उसमें सारे इंटीजर हैं या सारे फ्लोट हैं या सारे कैरेक्टर टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में जो है आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिस्ट एक स्ट्रक्चर है और लिस्ट का नाम, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, L। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, L। तो L0 क्या हो गया, उसका फर्स्ट डाटा आइटम हो गया, और L1 क्या हो गया, उसका सेकंड डाटा आइटम। L0 में हो सकता है आपने जो है उसका एम्प्लॉई नंबर स्टोर कराओ, और L1 में एम्प्लॉई नेम, L2 में एम्प्लॉई एड्रेस, L3 में एम्प्लॉई एज, L4 में उसकी सैलरी। ठीक है, तो हमने पूरे स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने L के नाम से, या ई के नाम से बना दो, EMP के नाम से बना दो स्ट्रक्चर। और उसका एडवांटेज क्या है, आप उसका नाम सेम रहेगा EMP। ठीक है, तो हम EMP या L नाम से उसको उसके एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन पर्पज़ है डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो दो टाइप के अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर का मतलब यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट एंड ग्रुप देम इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, सारे बहुत सारे डाटा एलिमेंट को आपने इकट्ठा कर लिया और उसको एक उसका एक ग्रुप बना लिया और उसको एक नेम दे दिया। ठीक है, EMP दे दो या L दे दो। ठीक है, ए डाटा स्ट्रक्चर इज क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज। दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, अब जैसे सामने नीचे दिखाई दे रही है आपको लिस्ट, ये एक लिस्ट है। ठीक है, इसको एरे भी बोलते हैं, लिस्ट भी बोलते हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, ए डाटा स्ट्रक्चर इज सेट टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन। ठीक है, एलिमेंट्स आर लिंक्ड वन आफ्टर अनदर आफ्टर द अदर, फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्टैक, क्यू। ठीक है, लीनियर लिस्ट का मतलब ये है कि उसकी आफ्टर एवरी लोकेशन वहाँ पर डाटा आइटम होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, एक के बाद मतलब एक सीक्वेंस में डाटा स्टोर होना चाहिए, लीनियर का मतलब ये है। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रही है लिस्ट, तो पहले 31 है, 34 स्टोर है। सपोज इस लिस्ट का नाम है L, तो यहाँ पर 34 किस पे है, L0 पे। 76 किस पे है, L1 पे। 78.8 किस पे है, L2 पे। 54.9 किस पे है, L3 पे। 31 किस पे है, L4 पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कंटिन्यूस स्टोर है। ठीक है, अगर इसका एड्रेस 1000 है तो इसका एड्रेस होगा 1002, इसका एड्रेस होगा 1004, इसका एड्रेस होगा 1006, इसका एड्रेस होगा 1008, क्योंकि इंटीजर, सपोज इंटीजर टेकिंग 2 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है,
तो आप देखो कंटिन्यूस 2 बाइट में 31 स्टोर हो रहा है, 2 बाइट में 76 स्टोर हो रहा है, 2 बाइट में 78.8 स्टोर हो रहा है, 2 बाइट में 54.9 स्टोर हो रहा है, 2 बाइट में 31 स्टोर हो रहा है। तो एक कंटिन्यूस स्टोर है डाटा, सीक्वेंस में स्टोर है, लेकिन नॉन लीनियर में कोई सीक्वेंस नहीं होता, नॉन लीनियर में कोई सीक्वेंस नहीं होता। जरूरी है कि 34 और 76 मतलब जैसे 34 है, 34 सपोज 1000 पे स्टोर है और 76 हो रहा है 2000 पे स्टोर है, और 78.8 सपोज 3000 पे स्टोर है, और 54.9 हो सकता है 4000 पे स्टोर है, 4000 मेमोरी लोकेशन है उसकी। तो एक कंटिन्यूस वे में स्टोर नहीं होता है नॉन लीनियर, लेकिन लीनियर हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है, कंटिन्यूस मेमोरी स्टोर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, लीनियर के लिस्ट है, लिस्ट भी कंटिन्यूस होता है, टपल भी कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेशन स्टोर होता है, डिक्शनरी भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, स्टैक भी कंटिन्यूस होता है, क्यू भी कंटिन्यूस होता है, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटिन्यूस स्टोर है मेमोरी में, जहाँ भी जाएंगे एक साथ स्टोर होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, चाहे कहीं पर भी मेमोरी कहीं से भी स्टोर, मेमोरी कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, सपोज 1000 स्टार्ट हो रही है तो 1000, 1002, 1004, सपोज 2000 से स्टार्ट हो रही है तो 2000, 2002, 2004, तो कहीं से भी स्टार्ट होता है, लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट होएगा कंटिन्यूस स्टोर होएगा। क्लियर? नाउ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको बताया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अरेंज डाटा इन हायरार्किकल मैनर। ठीक है, हायरार्किकल मैनर इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ईच एलिमेंट इज अटैच्ड टू वन और मोर डाटा एलिमेंट क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप अमंग द आइटम। ठीक है, अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है ट्री, ट्री दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, अब ए से जो है बी भी अटैच्ड है, ए से जो है सी भी अटैच्ड है। ठीक है, तो बी तो सपोज ए जो है 1000 पे स्टोर है, और बी कहाँ स्टोर है सपोज 1002 में, और सी कहाँ स्टोर है सपोज 1004 पे। ठीक है, तो ए, तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस स्टोर है ए बी सी। ठीक है, तो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, क्योंकि ए के लेफ्ट में बी है और राइट में सी है, तो कंटिन्यूस तो हुआ नहीं है, कंटिन्यूस तो जब होता है जब पहले ऐसे होता है ए बी सी डी। ठीक है, अगर ये 1000 है तो ये बी क्या होगा, उससे लेस होगा, सी जो है उससे हाई होगा। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस स्टोर नहीं है। अब ज़रूरी है कि ए से जो है दो नोड कनेक्टेड हो सकते हैं, ए से 3 नोड कनेक्टेड हो, ए बी सी डी डी हो। ठीक है, फिर बी से जो है डी कनेक्टेड है, फिर ई कनेक्टेड है, ई से जी कनेक्टेड है, एफ कनेक्टेड है। ज़रूरी है कि 2 कनेक्टेड हो, देखो यहाँ पे सी से जो है ए ही कनेक्टेड है, सी से एफ ही कनेक्टेड है, और यह सी जो है ए से कनेक्टेड है। तो ये भी ज़रूरी है कि हर नोड जो है दो से कनेक्टेड है, ईच नोड जो है 2 से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और 3 से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, 4 से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये तो एक ट्री की तरह है। तो आप इसमें देख रहे हो कहीं सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रही हमको, कहीं 1 नोड जो है 2 से कनेक्टेड है, कहीं 1 से कनेक्टेड है, कहीं 3 से भी कनेक्टेड हो सकता है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी नहीं है तो ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कराएगा। ठीक है, कोई सिमिलरिटी नहीं है तो मेमोरी लोकेशन भी सिमिलर नहीं रहेगी। ठीक है, कोई कहीं स्टोर है, कोई कहीं स्टोर है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है पॉइंटर से होते हैं अधिकतर। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि दूसरा डाटा आइटम कहाँ स्टोर है, तो इस तरह के प्रोग्राम को पॉइंटर से करते हैं। अब ऐसे देखो ये ग्राफ है, ये भी डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ थ्योरी एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ही जो है नोड जो है, ठीक है, नोड का कोई ऑर्डर ही नहीं है। ठीक है, ए से बी, ठीक है, और ए से सी, और फिर बी से फिर डी ई, और ये जो है क्लोज भी हो जा रहे। ठीक है, डी ई एफ जी एच के बाद फिर डी पे कनेक्टेड हो गया, क्लोज भी हो रहा है, तो ये ट्री नहीं है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ग्राफ। तो इसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इसमें भी कोई ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये भी डाटा स्ट्रक्चर में आता है, और ये भी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है, ठीक है, डी के बाद एच आ रहा है, या डी के बाद ई आ रहा है, या फिर डी के बाद दोबारा फिर बी आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। ये भी सिमिलर नहीं है, सिमिलरिटी कहीं नज़र नहीं आ रही इसमें। ठीक है,
तो ये भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, मतलब हमने अपने स्ट्रक्चर बना तो लिया, ठीक है, लेकिन हमको उसका जो डाटा एलिमेंट है वो कंटिन्यूस स्टोर नहीं है। स्ट्रक्चर तो बना लिया, उसके जो डाटा एलिमेंट है वो उनकी मेमोरी लोकेशन जो है डिसकंटिन्यूस है। मेमोरी लोकेशन स्ट्रक्चर तो है, मेमोरी लोकेशन डिसकंटिन्यूस, पता नहीं कौन सा डाटा कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो इससे बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने इसको समझा रखा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को मैंने अभी पहले आपको समझाया है। ठीक है, सपोज लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में लिस्ट जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है, लिस्ट है। ठीक है, एक आपने एरे का भी नाम सुना हुआ, एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? एरे एंड लिस्ट में, एरे में और लिस्ट में डिफरेंस है, क्योंकि एरे तो हम इसमें एरे पाइथन में तो होता नहीं है एरे। ठीक है, पाइथन में तो लिस्ट होती है, तो पाइथन में एरे क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाइथन में एरे इसलिए नहीं होता है क्योंकि एरे का मतलब ये होता है कि सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट। ठीक है, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में आप देख रहे हो, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये एरे नहीं हो सकता। एरे की कंडीशन क्या है? एरे में डाटा सेम होने चाहिए, या तो सारे फ्लोट हो या सारे इंटीजर हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी, ये जो है, ये जो एरे में जो था सी प्लस प्लस में, जावा में, ठीक है, तो इन्होंने और रिफाइंड करके पाइथन बनाई है। तो पाइथन में आपको फ्रीडम है, आप डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम भी ले सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप लिस्ट में आप यहाँ पे नेम भी ले सकते हो, यहाँ पे उसकी एज ले सकते हो, यहाँ पे उसका एड्रेस ले सकते हो, यहाँ पे उसकी हाइट ले सकते हो फ्लोटिंग में, ठीक है, और यहाँ पे उसका वो ले सकते हो, जेंडर ले सकते हो, मेल फीमेल। यानी कि एक ही लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट ले सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, जो फैसिलिटी एरे में नहीं है। एरे में सारे इंटीजर लेने पड़ेंगे या सारे फ्लोट लेने पड़ेंगे या सारे कैरेक्टर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एरे पाइथन में होता ही नहीं। ठीक है, आप उसे, आप एरे का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन सेम है। ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? लिस्ट इज एन एंटिटी टू स्टोर सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट। ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट ही हो, सेम ले लो चाहे। अगर आपने सेम ले लिया, इंटीजर, सारे सेम ले लो, या डिफरेंट ले लो, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट। ठीक है, अगर आप सेम टाइप के ले रहे हो तो वो एरे बन जाएगा। सेम टाइप के डाटा एलिमेंट 34, 76 सारे इंटीजर हैं तो ये क्या बन जाएगा? एरे। फिर आप उसे एरे तो नहीं बन जाएगा, आप इसको एरे भी कर सकते हो, लिस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सेम टाइप के डाटा एलिमेंट है, सारे इंटीजर हैं या सारे फ्लोट हैं या सारे स्ट्रिंग हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हो? एरे भी कर सकते हो और लिस्ट भी कर सकते हो। लेकिन इस टाइम आप इसको एरे नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम इंटीजर भी हैं, फ्लोट भी हैं। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर कोई कैरेक्टर भी हो। ठीक है, तो इस टाइम क्या है? लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट के डेफिनेशन में दोनों आ जाते हैं, सेम और डिफरेंट। लिस्ट इज एन एंटिटी टू स्टोर सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट एट कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन। ये तो सेम है। ठीक है, कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब कंजुगेटिव मेमोरी में, मेमोरी की कंजुगेटिव कंटिग्यूस मेमोरी में स्टोर है। मतलब ये 1000 में स्टोर है तो ये 1002 में, ये 1006 पे, ठीक है, ये 1010 पे हो जाएगा फिर अगर ये फ्लोट है तो, और ये 1012 पे हो जाएगा स्टोर। लेकिन है वन बाई वन, एक के बाद एक स्टोर है। ठीक है, विथ सेम नेम। अच्छा, नाम तो इसका सेम है, विथ सेम नेम। सबका नाम क्या है? L L L L। ठीक है, विथ सेम नेम विथ डिफरेंट इंडेक्स। इंडेक्स डिफरेंट है, इंडेक्स तो डिफरेंट है। इसका जीरो है, ये क्या है? जीरो। इसका वन है, इसका टू है, इसका थ्री है, इसका फोर है। ठीक है, तो ये L0 में क्या है? 34। L1 में क्या है? 76। L2 में 78.8। L3 में 54.9। L4 में 31। ठीक है, तो एरे की डेफिनेशन भी यही है, लिस्ट की डेफिनेशन यही है। बस एरे की डेफिनेशन में डिफरेंट हटा देंगे। एरे की डेफिनेशन क्या बोलोगे? एरे इज एन एंटिटी टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट एट कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स। सेम डेफिनेशन है और लिस्ट की भी सेम डेफिनेशन है। लिस्ट में क्या होता है? डिफरेंट भी आ जाता है, सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट डिफरेंट भी आ सकता है। तो दोनों में ही डिफरेंस है, लेकिन पाइथन में एरे होता नहीं है। ठीक है, अब इसे मैंने बता ही दिया। अगर कोई लिस्ट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे L0 होता है, और लास्ट एलिमेंट अगर
साइज इसका 5 है, तो लास्ट कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, लास्ट 4 हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, पहले वाला एल जीरो होता है, लास्ट वाला एल एन माइनस वन। अगर एन इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 5 है, तो एल जीरो फर्स्ट और 5 माइनस 1 एल फोर इक्वल टू लास्ट विल बी इट्स मेमोरी लोकेशन। तो ये इसकी मेमोरी लोकेशन है, एल जीरो एल वन एल टू एल थ्री। ठीक है, आप इसको इससे डिनोट करेंगे, एल जीरो एल वन एल टू। ओके, तो यहाँ पे हम जो है कुछ ऑपरेशन करेंगे लिस्ट पे। ठीक है, एक तो हम करेंगे सर्चिंग का, सर्चिंग जो है लिस्ट में ऑपरेशन करेंगे, लीनियर और बाइनरी सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे, लीनियर सर्चिंग से करेंगे, बाइनरी सर्चिंग से करेंगे। फिर हम लिस्ट के कोई आइटम डिलीट करेंगे, हम लिस्ट में कुछ इंसर्ट करेंगे, न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे, एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट में, मिडिल में, लास्ट में, कहीं पर भी कोई आप डाटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। और डिलीट भी आप कहीं से भी कर सकते हो, फर्स्ट से, मिडिल से, लास्ट से डिलीट कर सकते हो। सॉर्ट भी, सॉर्टिंग तो आपको पता ही है, दो तरह की सॉर्टिंग होती है। ठीक है, दो तीन सॉर्टिंग तो कई तरह की होती है, लेकिन मेन जो है एक बबल सॉर्टिंग है और एक सिलेक्शन सॉर्टिंग है, एक और सॉर्टिंग है इंसर्शन सॉर्टिंग, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी लिस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम फिलहाल हम लिस्ट पढ़ेंगे, पहले हम लिस्ट के प्रोग्राम करेंगे, लीनियर एंड बाइनरी सर्चिंग। ओके, तो नेक्स्ट है सर्चिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग, यू नो, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग, मैंने अभी आपको बताया है। लीनियर सर्चिंग नाम से ही क्लियर है, यानी कि लीनियरली हम सर्च करेंगे, वन बाई वन सर्च करेंगे। इन लीनियर सर्चिंग ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम टू बी सर्च वन बाई वन। दिस मेथड ट्रेवर्स द लिस्ट सिक्वेंशली वन बाई वन। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एलिमेंट अगर आपको सर्च करना है, तो आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक चलेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। ठीक है, जैसे ये लिस्ट है, सपोज 2 4 5 6 7, अगर आपको 6 सर्च करना है, ठीक है, तो आप सर्च कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, फिर 4, फिर 5 6। ठीक है, सपोज इस लिस्ट का नाम है L, L है, तो ये क्या हो जाएगा, L0, L1, L2, L3, L4। ठीक है, L0, L1, L2, L3, 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप 6 को कंपेयर करोगे L0 से, यानी कि 2 से, अगर नहीं है तो 6 इक्वल टू 2, नो, तो फिर आगे बढ़ोगे। फिर 6 को कंपेयर करोगे L1 से, L1 क्या है, 4, तो 4 इक्वल टू 6, नो, फिर आगे बढ़ोगे। फिर L2 से कंपेयर करोगे, L2 क्या है, 5 को 6 से कंपेयर करोगे, नो, इक्वल नहीं है, फिर यहाँ पे करोगे। फिर L3 क्या है, 6। ठीक है, और आपको 6 ही सर्च करना है, तो मिल गया आपको, मिल गया, तो आइटम इज़ फाउंड, सर्च इज सक्सेसफुल। तो इस तरह हम वन बाई वन आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपको 1000 एलिमेंट में से कुछ सर्च करना है, और जो आपको सर्च करना है वो बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्ट तो 0 से करना है, 0 1 2 3 4 5, और जो आपको सर्च करना है वो बिल्कुल लास्ट में, ये लास्ट से 2-3 स्टेप पहले है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वर्स्ट केस माना जाता है, वर्स्ट केस। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है, अगर आपको जो एलिमेंट सर्च करना है वो स्टार्टिंग वाला ही है, ठीक है, मान लिया मुझे 2 सर्च करना है, 2, ठीक है, तो मुझे ये एकदम मिल जाएगा 2, दिस इज़ कॉल्ड बेस्ट सर्च। और एवरेज केस क्या होता है, अगर हमको कोई चीज़ सेंटर में मिल गई, सेंटर 5 सर्च करना है, 5, तो 5 हमें मिल गया सेंटर में, तो ये एवरेज केस हो गया। और वर्स्ट केस क्या होता है, अगर हमको 7 सर्च करना है, ठीक है, तो 7 तो लास्ट में है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम वही अच्छी मानी जाती है जिसमें एवरेज हो, टाइम एवरेज हो या बेस्ट हो। ठीक है, तो लीनियर सर्चिंग जो है अच्छी एल्गोरिथम नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन इसकी कोडिंग ईजी है, ठीक है, लिखने में थोड़ी ईजी है, दैट्स वाई वी यूज इट। ठीक है, लेकिन एक ही मेथड तो है ही सर्च करने का। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो आपको। अब इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, हमने इसे ट्रिपल कोट्स पर रख दिया है, कमेंट्स बन गया है, अब इसको रीड नहीं करेगा कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, हमने ट्रिपल कोट्स पर रख दिया है। क्लियर, अच्छा, नाउ राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग लीनियर सर्च। तो हम मेन से स्टार्ट करते हैं, मेन तो पता ही आपको, पाइथन में मेन होता नहीं है, इसलिए हमने हैश लगा दिया। हैश क्या है, ये कमेंट बन गया, कमेंट लाइन बन गई,
ठीक है, तो मेन इज नो नो फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। लेकिन ये जो ये कोडिंग है नीचे वाली, ये मेन कोडिंग है प्रोग्राम की, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंटर द लिस्ट, आप लिस्ट एंटर करेंगे, ये आपने लिस्ट एंटर कर दी, ठीक है। फिर एंटर द आइटम टू बी सर्च, सर्च क्या करना है, सपोज सिक्स करना है, तो आइटम क्या हो गया, सिक्स, ठीक है। तो यहाँ यहाँ क्या हो गया, एल कितना हो गया, एल हो गया आपका ये 2 4 5 6 7, और आइटम क्या हो गया, सिक्स, ठीक है। लिस्ट क्या होगी, 2 4 5 6 7 आइटम होगी सर। तो जब आपने फंक्शन यूज़ किया तो ये तो सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, लिस्ट लेके और आइटम लेके। लिस्ट आपकी ये है ही, आइटम क्या है आपका, सिक्स जो सर्च करना है। इसकी लेंथ निकाल लो लिस्ट की, कितनी आएगी, फाइव ही तो आएगी, एन फाइव आएगी। तो लूप चलेगा 0 to 5, यानी कि 0 to 4, एक कम चलता है ये आपको बताइए, अगर ये 5 है तो 4 तक चलेगा। तो इफ़ एल जीरो इक्वल टू 6, यस और नो, सपोज अगर हमारे केस में तो है नहीं, नो, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो एल्स है, जो याला एल्स है, किसका एल्स है, इसका 4 का एल्स है। अगर 4, अगर 4 जो है कंप्लीट चल जाता है, ठीक है, तो फिर इसका जो 4 कंप्लीट चल जाता है तो इसके फॉल्स कंडीशन में आता है, इसकी फॉल्स कंडीशन, 4 की फॉल्स कंडीशन है एल्स ये, और 0 to 0 से लेकर n माइनस 1 तक इसकी ट्रू कंडीशन है। यानी कि जैसे ही आई की वैल्यू n होगी, जैसे आई की वैल्यू n होगी, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, n कितना है, 5, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, 5 भी होगी, तो जैसे ही 5 होगी तो ये एल्स में आ जाएगा और रिटर्न माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। और जो ये अंदर वाला इफ है, ये दोनों ये इस फॉर लूप के अंदर है दोनों, ठीक है। तो 0 to, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि L0 आइटम के बराबर है, आइटम जो है 6 है, L0 आइटम के बराबर है, नहीं है। फिर आगे चलो, आई की वैल्यू 1 होगी, L1 आइटम के बराबर है, नहीं है। आगे चलो, L2 आइटम के बराबर है, नहीं है, ठीक है। अब L3, आई की वैल्यू 3 होगी, 0 1 2 3, ठीक है, 3 हो गई, 0 1 2 3, 6 किस पे है, 3 पोजिशन में। जब आई की वैल्यू 3 हो रही है तो L3 क्या है, 6, और आइटम भी आपका 6 है, 6 इक्वल टू 6, यस। तो आइटम, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, आई कितना है हमारा, 3, तो रिटर्न क्या हो रहा है, यहाँ से 3 हो रहा है रिटर्न, कहाँ हो रहा है रिटर्न, 3, जो इसको कॉल कर रहा है, कॉल कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। पोजीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यस और नो, यस, क्योंकि पोजीशन तो 3 है, 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यस। तो आइटम इज फाउंड एट 3 + 1, 4th पोजीशन, तो आइटम इज फाउंड एट पोजिशन 4, तो 4 पे तो है, 6 के किस पोजिशन पे है, 4th पे ना, 1 2 3 4, ठीक है। जो बाहर यूजर होगा, जो अननोन होगा, उसे तो ये वो तो बताया क्या गया, तो 4th पे है, तो आपको पता है 3rd पे है, हम पाइथन वाले, हमको पता है 3rd पे, लेकिन जो कस्टमर होता है वो तो क्या गया, 4th पे है, ठीक है। तो आना चाहिए आंसर 4 आ गया हमारा, ठीक है। और अगर आप सर्च कर रहे हो 8 सर्च कर रहे हो 8 सर्च कर रहे हो, तो ये li इक्वल टू आइटम, ये कभी भी ट्रू नहीं होएगा, क्योंकि आइटम इक्वल टू आइटम तो 8 है, और ये li कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से लेकर 7 तक, तो ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब ट्रू नहीं होगी तो ये रिटर्न आई भी नहीं होगा, रिटर्न आई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो ये तो करते करते आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5। जब 5 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये कहाँ पर आएगा, इस पर आएगा, ठीक है, एल्स पे, एल्स किसका है, 4 का, तो रिटर्न क्या करेगा, ये -1। तो -1 कब आ रहा है, जब आप 8 सर्च कर रहे हो जो लिस्ट में है नहीं, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो, नो, तो फिर इधर आ जाओ, आइटम इज नॉट फाउंड, तो आंसर ये आएगा, ठीक आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है, रन करके देखते हैं। एंटर द लिस्ट, लिस्ट एंटर करो, कुछ भी एंटर कर दो आप, कर दिया हमने, एक और कर देते हैं, चलो हम वो वाली लिस्ट ले लेते हैं, चलो लिस्ट तो कोई भी ले लो, 2 4 6 8 या 1 ले लिया, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, सपोज 2 4 6 8 1। एंटर द आइटम टू बी सर्च, हमको सर्च करना है 6, तो आइटम इज फाउंड एट 3, सही है, 1 2 3, 3rd पोजिशन पे है 6, क्लियर हो गया। और नो भी देख लेते हैं, नो वाला केस भी देख लेते हैं,
एंटर द एंटर टू बी सर्च, हमें सर्च करना है 9 या 1 सर्च करना है, ठीक है, कुछ भी सर्च करना है, 2 सर्च करना है, 2 नहीं है ना इसमें, तो आइटम इज नॉट फाउंड, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। क्लियर। नेक्स्ट है बाइनरी सर्चिंग। दिस सर्च टेक्निक सर्च द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस। दिस टेक्निक रिक्वायर्स द लिस्ट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। दिस टेक्निक इज फास्टर देन लीनियर सर्च। ठीक है, तो ये तो बाइनरी सर्चिंग जो है आपको बताइए फास्ट सर्चिंग होती है। फास्ट जो है आपको एलिमेंट को सर्च करके देती है आपको ये सर्चिंग, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड होने चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, सॉर्टेड होने चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले आप सॉर्ट करें, तब आप बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई करें। ठीक है, बाइनरी सर्चिंग का एडवांटेज ये है कि ये मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन करती है, बहुत कम कंपैरिजन करती है, और सीधा वहीं जाती है जहाँ पे वो एलिमेंट है, जहाँ पे वो एलिमेंट है जिस जो आपको सर्च करना है, ये सीधा वहीं जाती है, जैसे कि इसको पता हो कि वो एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है, ये आलतू फालतू के कंपैरिजन नहीं करती, ठीक है, सिर्फ मिड से कंपेयर करती है, मिड से कंपेयर करती है, बाकी और कोई कंपेयर नहीं करती है, हर एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए ये फास्ट है, बेस्ट बेस्ट सर्च टेक्निक है, फास्ट है, सबसे ज़्यादा यही यूज होती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो बाइनरी सर्चिंग जो मैंने बताया दिया, बाइनरी सर्चिंग टेक्निक सर्चेज द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत कम होते हैं। रिक्वायर द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, लिस्ट जो है सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, फास्टर देन लीनियर सर्चिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रखा हमने, जैसे कोई लिस्ट है, ठीक है, तो कोई लिस्ट है, जैसे हमने लिस्ट ले ली 5 एलिमेंट्स की, तो जैसे ये 0 पोजिशन पे है, फर्स्ट पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे पोजिशन पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिस्ट का ना मिड निकालते हैं, मिड, इस लिस्ट का मिड निकालते हैं। तो मिड निकालने के बाद हम जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको कंपेयर करते हैं मिड से। ठीक है, जो हमें सर्च करना है, यदि वो मिड से ज़्यादा है तो हम लिस्ट के राइट साइड में देखते हैं, और यदि हम जो हमें सर्च कर रहे हैं, जो हमें सर्च करना है वो मिड से लेस है, तो हम लिस्ट के लेफ्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, हमने ऐसे ही किया है। देखो यहाँ पे लो, लो तो आपको पता ही है, लो इसे 0 को लो बोलते हैं और हाई वाले को हाई बोलते हैं, 5-1 4। ठीक है, जो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, हाई, लो हाई। और सर्च क्या करना है आपको, सपोज 8 सर्च करना है, 8 सर्च करना है। क्लियर, ये तो एक लूप लगाएंगे, व्हाइल लो लेस देन हाई, क्या लो हाई से लेस है, यस और नो, यस, अगर है तो, क्योंकि 0 और 4 है ना, 0 और 4 है। ठीक है, सर्च क्या करना है आपको, 8 सर्च करना है। तो 0 प्लस 4 का आप मिड निकाल लो तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा उसको, तो मिड कितना हो जाएगा, 2, तो L2 हो गया, मिड कितना हो गया, L2। तो L2 क्या है हमारा, यहाँ पे 6 है, L2 क्या है, 6। तो आइटम क्या है हमारा, 8। तो 8 इक्वल टू L mid, 8 इक्वल टू L2, यस और नो, नो। ठीक है, 8 आइटम क्या है, 8, और L2 क्या है, 6, तो दोनों तो इक्वल है नहीं, नहीं है तो ये रिटर्न होगा नहीं। तो फिर आप कहाँ आएंगे, L shift में आएंगे, फिर चेक करेंगे क्या जो आइटम हम जब सर्च कर रहे हैं, जो आइटम सर्च कर रहे हैं, हम सर्च क्या कर रहे हैं, 8 सर्च कर रहे हैं, क्या वो L mid से ज़्यादा है, L mid क्या है, 6, हाँ ज़्यादा है, तो हमको, तो हमारा लो जो है ना उस केस में, लो हमारा क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा हमारा 8, और हाई क्या, लो हो जाएगा 8, क्यों हो जाएगा, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड क्या है हमारा, मिड क्या है हमारा, 2। ठीक है, मिड 2 है ना ऊपर, देखो आप मिड 2 है, ठीक है, मिड 2 है, देखा ये मिड 2 है, तो हमने क्या करा, 2 प्लस 1 3, तो लो हो गया 3, लो कितना हो गया, 3, और हाई कितना हो गया, 4। ठीक है, तो लो ये हो गया, हाई हो गया, तो लो 3 हो गया, हाई हो गया 4। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2, 4, 6 से कोई मतलब नहीं है, अब हमारी नई लिस्ट बन गई 8 और 9 की। ठीक है, 8 और 9 की लिस्ट बन गई है। फिर हम दोबारा जो है, अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो यानी कंडीशन ट्रू होगी नहीं, एक ही कंडीशन चलेगी, इफ एल्स इफ, ये चलेगी नहीं, ये यानी चली हमारी। फिर हम दोबारा ऊपर जाएंगे, लो लेस देन हाई और नो, यस, लो कितना है, 8, और हाई कितना है, नहीं, लो कितना है आपका,
थ्री, लो कितना है थ्री और हाई कितना है फोर, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो मैंने नीचे कर रखा है इसको आप, ठीक है। लो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकंड लो क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, थ्री आपका लो, ठीक है। मिड प्लस वन, लो हो जाएगा आपका थ्री, ठीक है। और हाई में कोई चेंज नहीं होगा, हाई वही रहेगा, ठीक है। तो लो थ्री हाई फोर, ठीक है, लो थ्री हाई फोर। अब फिर चेक कर रहे हैं क्या लो लेस देन हाई, यस और नो, यस थ्री लेस देन फोर। तो थ्री प्लस फोर को फिर टू से डिवाइड करेंगे, ये डबल स्लैश लगा रखा है, इसका मतलब क्या होता है आंसर इंटीजर में आएगा, ठीक है। इंटीजर डिवीजन डबल स्लैश लगा रखा है, ऊपर भी लगेगा डबल स्लैश, ठीक है, ऊपर भी डबल स्लैश। पाइथन में डबल स्लैश होता है और सी प्लस में जो है इंटर लगाना पड़ता है हमको। तो थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन पॉइंट टू कितना आएगा थ्री पॉइंट फाइव। तो थ्री पॉइंट फाइव को इंटीजर डिवीजन है तो क्या आएगा आंसर थ्री आएगा। तो मिड क्या हो गया आपका थ्री हो गया, हो गया थ्री, तो मिड हो गया थ्री, एल थ्री हो गया। ये एल थ्री हमारा क्या है एट, एट। और आइटम जो हमें सर्च करना है वो क्या है एट, दोनों एट इक्वल टू एट। तो रिटर्न क्या होगा थ्री, थ्री मतलब मिड, ठीक है ना। यहाँ पे मिड है, रिटर्न मिड, रिटर्न मिड है, तो रिटर्न क्या होगा मिड। तो ये थ्री रिटर्न करेगा, ठीक है। थ्री रिटर्न, थ्री रिटर्न करने के बाद यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा थ्री, ये थ्री पोजिशन है ना, पोजिशन थ्री। तो आंसर क्या आएगा आइटम इज फाउंड एट फोर्थ पोजिशन, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमको। अगर आपको जो है फोर सर्च करना है फोर, ठीक है, तो आपकी नई लिस्ट क्या हो जाएगी सिक्स के लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी टू फोर। अब एट नाइन की जगह क्या हो जाएगी टू फोर, क्योंकि जो आपको सर्च करना है वो मिड से लेस है, ठीक है ना। याली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, याली कंडीशन ट्रू। अगर याली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, याली भी ट्रू नहीं हो रही है, तो फिर याली ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर हाई जो है मिड माइनस वन, अगर आपको टू से फोर सर्च करना है, ठीक है, फोर सर्च करना है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लो हो जाएगा जीरो और जो है मिड कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन टू, मिड हो जाएगा टू। तो जीरो मिड कितना क्या आपका टू, टू माइनस वन वन, मिड हाई कितना हो जाएगा वन, जीरो और वन हो जाएगा ये। तो आपकी नई लिस्ट बन के आएगी जीरो फोर। अगर आपको फोर सर्च करना है या टू सर्च करना है तो आपकी लिस्ट आएगी टू फोर और ये हो जाएगी जीरो, ये हो जाएगी वन, जीरो वन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रिपीटेटिव है, चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक लिस्ट में एक ही एलिमेंट नहीं रह जाता, ठीक है। सपोज़ वो एलिमेंट आपको सबको सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है, तो एक ऐसी पोजिशन आएगी कि आपको लिस्ट में एक ही एलिमेंट रहेगा, और जब एक ही एलिमेंट रहेगा जब हम उसका मिड निकालेंगे तो मिड भी वही आएगा, और जब मिड वही आएगा तो दोनों मैच कर जाएंगे, और जब मैच कर जाएंगे तो हमको आइटम इज फाउंड, आइटम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि हमें जो है मिड निकालते सार, ये जो मिड निकालते सर मिड टू निकाला, तो ये मिड एल टू आइटम इक्वल टू एल टू शुरू में ही हमें मिल गया। शुरू में कब मिलेगा, जब आपको सिक्स सर्च करना हो। अगर आपको सिक्स सर्च करना हो तो यही मिल गया हमें, फिर हमने कुछ किया ही नहीं है आगे, तो बढ़ने की आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब एकदम स्टार्टिंग में मिल जाए, जिसे बोलते हैं बेस्ट सर्च, सबसे कम टाइम लगता है इसमें, क्योंकि जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड एलिमेंट है। लेकिन अगर जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड एलिमेंट नहीं है, वो राइट एलिमेंट है इसके मिड के राइट में है, तो हम एक नई लिस्ट बन जाएगी। अगर उसके लेफ्ट में है तो याली लिस्ट बन जाएगी, और जब याली लिस्ट बनेगी तो फिर हम क्या करते हैं, इसका भी हम चलते रहते हैं, इसका भी हम मिड निकालते हैं, ठीक है। फिर मिड से कंपेयर करते हैं जो हमें सर्च करना है, अगर उससे लेस है तो हम लेफ्ट में जाते हैं, उससे राइट है तो हम राइट में जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी करते हैं जो हमें सर्च करना है, अगर हमें एट सर्च ना करना होता, नाइन सर्च करना होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका मिड निकालते हैं, तो कितना आता, एट लगभग एट ही आता, एट पॉइंट थ्री प्लस फोर अपॉन टू, ठीक है, सेवन अपॉन टू कितना होता थ्री पॉइंट फाइव, यानी कि थ्री, तो मिड एट ही आता इसका, ठीक है। तो फिर हम राइट में जाते, ठीक है, अगर जो हमें सर्च करना है वो मिड से ज़्यादा है तो हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट रह जाता, ठीक है। और फिर हम उसका मिड निकालते हैं, तो मिड निकालने के बाद जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो वही एलिमेंट होता जो हमें सर्च करना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है चलता रहेगा, चलते चलते ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल लास्ट में मिले,
और बिल्कुल जब बिल्कुल लास्ट में मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट में एक ही एलिमेंट रह गया, ठीक है। तो जब उसका मीन निकालेगा तो लो भी वही होगा, जब लास्ट में निकालेंगे तो लो भी वही होगा, हाई भी वही होगा। तो जब हम उसका मीन निकालेंगे तो वही एलिमेंट तो होगा जो हमें सर्च करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ये रिपीटेटिव चलता रहता है, और एक पोजिशन अगर जो हमें सर्च करना है, ठीक है, तो हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट होगा जो हमें सर्च करना है, वो मिड होगा, ठीक है। अगर वो है लिस्ट में तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, मिड होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जब ये आइटम इक्वल टू एल मिड हो जाएगा, कब होगा, यदि वो है। और सपोज़ जो हम सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं वहाँ पर लिस्ट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हमारा क्या होता है, लो जो है ग्रेटर देन हाई हो जाता है, लो हाई से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको जो है सर्च यहाँ पे वो करना है, सपोज हमको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ कोई एलिमेंट सर्च करना है, वन सर्च करना है, ठीक है। तो आप देखोगे करते करते जो है, अगर आप वन सर्च करो, वन इसमें है नहीं, तो करते करते आप लेफ्ट में आते रहोगे, लेफ्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो है हाई तो लेस हो रहा है, लो नहीं हो रहा है, लेस हाई लेस हो रहा है, लो आप वहीं पर टिका हुआ है लो, तो लो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें वो कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे वन सर्च करना है या कोई जीरो सर्च करना है, वो वहाँ पे है नहीं, तो लो तो वहीं रहेगा, लेकिन हाई जो है, हाई मिड माइनस वन, मिड माइनस वन, मिड माइनस वन, हाई कम होता रहेगा, ठीक है। तो और जैसे ही ये कंडीशन आएगी लो ग्रेटर देन हाई, क्योंकि बाबा आप देख रहे हो बाबा ऊपर जा रहा है, जैसे लो ग्रेटर देन हाई तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जब फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप का ये दिखाई दे रहा है, वाइल लूप का फॉल्स कंडीशन क्या है, रिटर्न माइनस वन, तो माइनस वन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन रिटर्न होने के बाद तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, ठीक है। ये पोजीशन माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नो, तो आइटम इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके ये, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने लो निकाल लिया, लो तो आपको पता है लो तो जीरो रहेगा, हाई क्या हो जाएगा, लेंथ निकाल लो उसकी, फाइव आएगी, फाइव माइनस वन फोर, हाई हो जाएगा फोर, ठीक है। तो जीरो, लो कितना है जीरो, और फोर, हाई कितना है फोर, जीरो लेस देन फोर, यस, तो जीरो प्लस फोर बाई टू कितना आएगा, टू आएगा। फिर आइटम इक्वल टू एल टू, अगर है तो मिल गया, रिटर्न हो गया, यहीं से क्या रिटर्न हो गया, मिड, मिड क्या है टू, तो रिटर्न टू करो, तो यहाँ पोजिशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, तो टू ग्रेटर देन जीरो, यस, तो आइटम इज फाउंड एट टू प्लस वन थ्री, आइटम इज फाउंड एट थ्री, तो थ्री तो होगा, क्यों, क्योंकि एट जो है थर्ड पोजिशन पर है, ठीक है ना, ये जो है जो हमें सर्च करना है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा, नहीं जो अगर अगर मिड के इक्वल हो गया तो ये थर्ड पोजिशन पर ना, वन टू थ्री, सिक्स के किस पोजिशन पर है, थर्ड पोजिशन पर। अगर आइटम इक्वल टू एल मिड हो गया तो इसका मतलब हम सिक्स को सर्च कर रहे हैं, और सिक्स कोई पोजिशन पर है, वन टू थर्ड पोजिशन पर है, ठीक है। तो रिटर्न मिड, मिड क्या है यहाँ पे, टू, तो रिटर्न टू, तो टू हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, तो आइटम इज फाउंड एट पोजिशन थर्ड, ठीक है, थर्ड, टू प्लस वन थ्री, क्लियर। और यदि ऐसा नहीं है तो हम देखते हैं क्या आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं क्या वो मिड से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो आप लिस्ट के राइट साइड में जाएंगे, और यदि ज़्यादा भी नहीं है तो क्या वो मिड से लेस है, तो हम लिस्ट के लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, लो या लेस देन हाई चेक करेंगे, फिर उसका मिड निकालेंगे, फिर उससे मिड से कंपेयर करेंगे, देखेंगे अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम उसके लेफ्ट में या राइट में जाएंगे लिस्ट के। तो इस तरह लेफ्ट में राइट में जाते रहेंगे, मिड निकालते रहेंगे, लेफ्ट में राइट में जाते रहेंगे, मिड निकालते रहेंगे, और एक पोजीशन ऐसे आएगी कि मिड ही वो एलिमेंट होगा जो हमें सर्च करना है, ठीक है। और यदि जो हम उसको, यदि वो वहाँ पे नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि लो ग्रेटर हो जाएगा हाई से, और जैसी लो हाई से ग्रेटर हो जाएगा, ये कंडीशन वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। जब वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा तो वाइल का फॉल्स वाला क्या है, एल्स, ये रहा, वाइल का फॉल्स एल्स क्या है, ये, यानी कि रिटर्न माइनस वन हो जाएगा। तो रिटर्न माइनस वन होने के बाद क्या होगा, आइटम इज नॉट फाउंड, पोजिशन माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यस और नो, यस, ठीक है, नहीं, माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नो, ठीक है, तो नो आ गया आप, तो आइटम इज नॉट फाउंड। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। आप रन पर क्लिक करें, F5 पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स दें, सॉर्टेड देने हैं, सॉर्टेड होने चाहिए,
ठीक है, सपोज ये दे दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए, नाउ एंड प्रेस एंटर की, एंटर द आइटम टू बी सर्च, आपको सर्च क्या करना है, सेवन सर्च करना है, सेवन पे क्लिक करें तो आइटम इज़ फाउंड एट पोजिशन थ्री, सही है, 1 2 3 4 क्लियर। ठीक है, और सपोज हम वो सर्च करते हैं जो लिस्ट में है ही नहीं, सपोज हमने वन सर्च किया, वन आइटम इज नॉट फाउंड, क्लियर है। ठीक है, तो वन वहाँ पे लिस्ट में है नहीं, क्लियर हो गया आपको प्रोग्राम। ओके, तो इस तरह आपको करना है। ठीक है, ओके बाय, क्लियर। क्लियर, ओके बाय।